अब खबरें विस्तार से। नागपुर जाने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा की। महंगाई को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा ने जब से केंद्र में सत्ता संभाली है महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत सरकार की गलत नीतियों की वजह से बढ़ रही है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और फिर लॉकडाउन गलत ढंग से लगाया गया, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कम है, इसके बावजूद यहां एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा लगाई गई है। मोदी सरकार की गलत नीतियों का परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। संभल नहीं रही है, लोगों के दुख दर्द उनको समझ नहीं आ रहा है, न किसानों की बात समझ आता है, न महिलाओं की बात उन्हें समझ आ रही है। लगातार महंगाई बढ़ रही है और ये महंगाई इसलिए नहीं कि सामग्रियों की उपलब्धता नहीं है, इसलिए बढ़ रहा है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण। पहले नोटबंदी किया, फिर जीएसटी लगाया, फिर लॉकडाउन गलत ढंग से लगाया और इसके कारण से ये महंगाई बढ़ रही है। और सबसे बड़े महंगाई बढ़ने का कारण पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के भाव गिर गए हैं तब पेट्रोल और डीजल के बीच में कंपटीशन हो रहा है कौन ज़्यादा आगे आता है। पेट्रोल तो सेंचुरी पार कर चुका है और डीजल भी उसके पीछे पीछे पहुंच रही है। तो लगातार जो महंगा और पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और उसके कारण से लगातार महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार के गलत नीतियों का ये परिणाम है जिसके कारण से महंगाई बढ़ रही है।